नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 12:04 तक रहेगी, फिर नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 14 जून 2024 शुक्रवार का दिन है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिद्ध योग तथा विष्टिकरण है। आज चंद्रमा का राशि संचार प्रातः 11:52 तक सिंह राशि में, फिर 11:53 से कन्या राशि में सारे दिन रहेगा। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए राहु काल तथा यम घंटक योग इन दोनों समय का त्याग करना चाहिए। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज लाभ की चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 7:11 से प्रातः 8:53 तक रहेगा। आज प्रातः 11:52 तक उत्तर तथा पूर्व दिशा, फिर 11:53 से पूर्व तथा दक्षिण दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह, मेडिकल जांच तथा वैद्य जी की सलाह के लिए शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक, फिर दोपहर 2:40 से शाम 4:40 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय प्रातः 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक, फिर दोपहर 2:40 से शाम 4:40 तक रहेगा। आज रात्रि 12:27 पर सूर्य ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। आज रात्रि 11:04 पर बुध ग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आकाश में ग्रहों के गोचर की। सौरमंडल में घूम रहे ग्रहों की रश्मियों का हमारे जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा तथा ग्रहों के इसी गोचर के आधार पर नित्य राशियों की प्रिडिक्शन की जाती है। आज सूर्य, बृहस्पति व बुध ग्रह वृष राशि में, चंद्रमा 11:53 से कन्या राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, शुक्र ग्रह मिथुन राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। अब आइए देखते हैं आज के 12 राशियों के राशिफल को। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन नई उमंग व आनंद से भरा रहेगा। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में ऊर्जा व रोमांच से भरे विचार उत्पन्न होंगे। अपनी राशि में मंगल ग्रह की उपस्थिति आपके अंदर मानसिक क्षमताओं की वृद्धि करेगी। लवमेट के साथ पारिवारिक सदस्यों के विरोध के बावजूद शादी कर सकते हैं। शेयर या MCX में निवेश करने से हानि संभव है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन नई सफलताओं को ला रहा है। चंद्रमा के राशि से पंचम भाव में भ्रमण से उत्साह से भरे विचार आएंगे। संतान का किसी स्पोर्ट एकेडमी में एडमिशन करा सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसे माता पिता से मिलवाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रसन्नता से भरा रहेगा। सारा दिन मूड लाइट व रोमांटिक रहेगा। राशि में शुक्र ग्रह की उपस्थिति से सृजनात्मक विचार उत्पन्न होंगे। लेखक, कवि, साहित्यकार, रंगकर्मी, संगीतज्ञों को महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी को घड़ी या मोबाइल जैसा कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन नई सफलताओं को ला रहा है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन छोटे भाई के असभ्य व्यवहार के कारण मन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। छोटी बहन की शादी के लिए आए प्रस्ताव को फाइनल करने से पहले उसकी राय अवश्य जान लें। कार्य क्षेत्र में आकस्मिक धनलाभ के योग बनते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। शारीरिक फिटनेस शानदार रहेगी, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। छोटी बहन का उसके ऑफिस में झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है। क्रोध या उत्तेजना में कोई भी निर्णय ना लें। आज वाहन खरीदना शुभ नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी से बिताने का दिन है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत व जागरूक रहें। राशि में केतु ग्रह की चंद्रमा के साथ उपस्थिति से मानसिक उधेड़बुन की स्थिति
रह सकती है। बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं, इस बात को सोचकर व्यर्थ का भय उत्पन्न हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव को ला रहा है। आज मानसिक व शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन चंद्रमा के राशि से 12वें भाव में केतु ग्रह के साथ होने से मन में व्यर्थ का तनाव हो सकता है। ऐसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जिसमें कोई परेशानी उत्पन्न हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शांत व शांत मन से गुजारने का दिन है। आज मन को एकाग्रचित करने में समस्या आ सकती है। बड़े भाई से किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें तथा पारिवारिक विषय से संबंधित बिना क्रोध किए अपना पक्ष रखना बेहतर होगा। जाने अनजाने अपनी महिला मित्र को दुख पहुंचा सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण व शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी। ऑफिस में वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा। सहकर्मी के साथ किसी छोटी बात पर वाद विवाद हो सकता है। आपका कोई सहकर्मी आपके उच्च अधिकारी से शिकायत कर सकता है, जिससे आपकी छवि व प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। चंद्रमा का राशि से भाग्य स्थान से भ्रमण आपकी सोच को मजबूत तथा उत्साही बनाएगा। कार्यस्थल पर कार्य की अधिकता से थकान महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शांत मन व सावधानी से बिताने का दिन है। चंद्रमा की राशि से अष्टम भाव से भ्रमण के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। परिस्थितियों के हिसाब से अपने को ढालना उचित रहेगा। लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको अपना अहंकार त्यागना चाहिए। नए मकान की रजिस्ट्री कराना शुभ नहीं है। वाहन चलाने में आज सावधानी रखें। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ ही जाएगा, लेकिन मन में इरिटेशन रह सकती है। स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मांसाहार व ड्रिंक को छोड़ना उचित रहेगा। प्रॉपर व्यायाम न करने से आपका वेट कंट्रोल से बाहर हो सकता है। साझेदारों के साथ मीटिंग में पैसे को लेकर तनातनी हो सकती है। जीवन साथी को पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है। वाइए बात करते हैं आज के वास्तु मंत्र की। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन, मनुष्य व आवास पर पड़ने वाली ब्रह्मांडीय किरणों व पंच महाभूत तत्वों भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि से मानव जीवन में कैसे लाभ पहुँचे, इसलिए वास्तुशास्त्र का निर्माण किया है। गृह स्वामी का शयन कक्ष मकान या फ्लैट के दक्षिण या नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा में होना अत्यंत शुभ व कल्याणकारी होता है। दक्षिण या नैऋत्य कोण में कोई गड्ढा या बोरिंग नहीं होना चाहिए। दक्षिण व नैऋत्य कोण की दिशा को उत्तर या पूर्व की दिशा से ऊंचा होना चाहिए। सोते समय सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यदि दक्षिण या नैऋत्य कोण में शयन कक्ष संभव ना हो तो जिस कक्ष में भी गृह स्वामी निवास करे उस कक्ष की दक्षिण या नैऋत्य कोण में पलंग या डबल बेड का सिरहाना हो। पलंग के सामने ड्रेसिंग टेबल या कोई दर्पण न लगाएं। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।